हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैश लाइफ विद अस। और मैं आज संडे है और आज सो के उठ चुका हूँ। समय हो रहा है 9:53। उठने का मन नहीं था अभी क्योंकि संडे आज जल्दी, परंतु प्रियंका का डॉक्टर साहब का आदेश आया कि उठो, पास्ता बनाना है और प्रियंका को भी पास्ता खाना था, तो मैं फाइनली उठने की तैयारी कर रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना आज संडे का ब्लॉग बनाया जाए। और चलो आज जो करते हैं, जहाँ जाते हैं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। संडे है और मुझे बाल भी कटवाने जाने हैं, बाल बहुत बड़े हो गए हैं। और इसे एक्चुअली मैं खत कहते हैं कि खत भी बनवाता हूँ, ये खत है हमारा, ये खत भी बनवा लेते हैं। और बाकी प्रियांक से पूछवाता हूँ, प्रियांक को क्या खाना है। प्रियांक, बाल बहुत बड़े हो गए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, बाल कटेंगे आज स्टाइल वाले जो आंखों में आ रहे हैं ये। और ये खत भी देख, प्रियांक इधर आओ, प्रियांक आ चुके हैं, हाय करो। तुमको क्या खाना है? पास्ता। कौन बनाएगा? देखो पास्ता खाना है और बनाऊंगा मैं। और तुम कब सो के उठे? आज। आज अभी अभी। और बिट्टू छिट्टू क्या कर रही है? देखो बिट्टू छिट्टू को दिखाता हूँ, वो अभी तक सो ही रही है दोनों, बस मेरे को ही जल्दी जगा दिया है। अभी मैं अब इन लोगों का पास्ता बना के जल्दी से करवाता हूँ और बाल कटवाता हूँ। ये देखिए अंदर किचन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, किचन बंद ऐसी पड़ी है। मैं जाऊंगा किचन में तैयारी करने। और ये देखिए, ये हमारी दीदी सुबह सुबह पर्स में पैसे ढूंढ रही है। और ये प्रियंका पास्ता निकल गया, पास्ता ही नहीं मिल रहा है। लो देखो पास्ता, पास्ता मिलेगा, बड़े बाबू चाय पी रहे हैं बैठ के। तो चलिए जब पास्ता मिलता है तब मिल गया पास्ता मिल गया है, मिल गया। ये रहा पास्ता हमारा, ये पूरा का पूरा मैं आज बनाऊंगा और देखते हैं बना के कैसा बनता है। मैक्रोनी भी निकल आई है, ये भी मैक्रोनी और एक और मैक्रोनी। तो आज संडे की हमारी शुरुआत ऐसी होगी कि हम पास्ते के साथ शुरुआत करेंगे, फिर बाल कटवाने जाऊंगा मैं और अपनी ये शेविंग मतलब बियर्ड सेट करवाने जाऊंगा। और ये देखिए बिट्टो सो के उठ रही है, सिटो, हाय 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 बिट्टो, हाय हाय लाला, लाला तुम भी हाय करो, हाय, और मैं भी कर देता हूँ हाय। तो चलिए अब पास्ता बनाता हूँ मैं। सुबह उठ के फ्रेश हो गया हूँ मैं, कोलगेट मैंने कर लिया है। उसके बाद बहुत ज्यादा प्रेशर था बच्चों का कि मामा पास्ता का, प्रियांक भी पापा पास्ता, और इधर से डॉक्टर साहब भी कि पास्ता चाहिए रास्ते में। तो फाइनली आज स्पेशल मक्खन वाला पास्ता मैं बना रहा हूँ, आप देखिए। और मुझे अच्छे से बनाना आता है। और प्याज वगैरह मैंने सब ले लिया, सब मैं काट के रख चुका हूँ, सब मैंने टमाटर प्याज सब काट दिए। झूठ मत बोलो, ये प्याज भी मैंने करी है चॉपर में, टमाटर भी मैंने करे है, पास्ता भी मैंने उबाला है, सारी तैयारी करके दी है, उसके बाद अपना नाम लगा रहे हैं। तो कोई नहीं, बस इनका काम ये है करछी चलाना कढ़ाई में। हाँ। अभी मसाले भी डालने की बारी आएगी, उसके लिए भी मुझे ही बुलाएंगे। मसाले के लिए मेरे पे है ना मसाले, हाँ बस ये डालूंगा। तो ये मैगी मसाला इज एनफ फॉर योर पास्ता, डेली वर्क करने में चाय मिल जाए। तो गाइस अभी मैं इसे बना लेता हूँ और उसका जब पास्ता बन जाता है फिर आपके पास दोबारा में आता हूँ। देखो मैंने पास्ता बना लिया, पास्ता बन गया। हम बच्चों ने अपनी चौकड़ियां जमा ली है, हम धरती पे बैठ के खाना खाते हैं, हम धरती से जुड़े हुए इंसान हैं, हम बेड पे नहीं खाते हैं। और बिट्टो से आइए, कमरा में आइए, बिट्टो से पूछते हैं, बिट्टो कैसा है पास्ता? अभी मुझे एक बात मन में कहने की बात हुई है, मैं मेरे चाचू भी एक पास्ता बनाते थे बट इससे ज्यादा टेस्टी नहीं बना, क्योंकि ये पास्ता मेरे द्वारा बना गया है, जो खाएगा वो फैन हो जाएगा। आप लोग भी आइए और खाइए। सिटी में कैसा है? मस्त मस्त रिएक्शन है, एकदम मस्त है। तो आइए कैमरामैन साहब, आप भी आइए और खाइए। एक बार मैं क्लोजअप में दिखा देती हूँ आपको पास्ता। बस भाई बच्चे पानी अपना आ रहा हूं मैं, बस तुम स्टार्ट करो और तुम भी खा के बताओ कैसा है।
है अच्छा, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी एक जो रेसिपी नहीं बतानी, सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं बताना। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बता रही हूँ। दीदी भी आ गई है, दीदी का भी रिएक्शन ले लेती हूँ। दीदी बताना, जल्दी खाओ, जल्दी बताओ। दीदी का देखना, मुझे पता है कैसा आएगा। भाई सही में बहुत बढ़िया है। हाँ चलो, बाल कटवाने आ चुके हैं और हमारे भैया जी बाल काटेंगे। इन भैया को देख लो, ये कटवा ही रहे हैं। हेलो गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैं बाल हेयर कट करवाने अपने और शेविंग करवाने गया था, और उसके बाद एक्चुअली मुझे ब्लॉग बनाने की ध्यान नहीं रही क्योंकि मेरा फर्स्ट डे था ये, और मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। उसके बाद मैं नहाने के बाद मार्केट भी होके आ गया, और वहाँ से मैं आज एक हुड खरीद लेके आया हूँ। स्वेटशर्ट 1200 रुपये की है ये, और 400 रुपये की बैली भी लेके आया हूँ, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि मैं ब्लॉग बनाना भूल गया क्योंकि फर्स्ट डे था। बाकी चलो कोई नहीं, अब मैं अब मार्केट से आ गया हूँ। हुड मेरी देख लो, खड़ा हो गया हूँ मैं ये, और आपको अब 400 रुपये वाली अपनी बैली भी दिखा देता हूँ। कहाँ है मेरी 400 रुपये की बैली, ये देखिए मैं ले आया हूँ 400 रुपये की ये बैली पहनने के लिए, और ब्लैक हुड लेके आया हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और आज उसके साथ जैसे देखना, आप देखा आपने सुबह सुबह मैंने क्या बनाया था, सुबह पास्ता बनाया था। और अब मैं बच्चों के लिए लेकर आया हूँ पिज्जा, नहीं लेकर क्या, पिज्जा बेस लेकर आया हूँ। घर पर पिज्जा बनाऊंगा और हम लोग अब पिज्जा खाएंगे, देखते हैं। और मम्मी तुम क्या करती हो? कान्हा जी की पोशाक बना रही हूँ। कान्हा जी के कपड़े बना रही हूँ। हाँ मम्मी कान्हा जी के कपड़े बना रही हैं, और बड़े बाबू चाय और मखाने लपेट रहे हैं। ये पिताजी ऐसी राज है, हंसी नहीं है। और वो हमारे आज कैमराग्राफर मेरी बैलियों को देखते हुए, ये जो पीछे वाइट वाइट आ रहा है ना हमारे दीवार पर, ये एक्चुअली क्या, हमने अभी वॉल क्या करवाई है, वॉल पुट्टी करवाई है, अभी पेंट होना उसमें बाकी है, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। और ये डॉक्टर साहब आ गए हैं, और के क्या ये पिज्जा, नहीं ये पिज्जा के मटेरियल की तैयारी हो रही है, पिज्जा की टॉपिंग्स, जिसमें हमारे ये मम्मी, ये देखो, हाँ दिखाओ मम्मी, ये देखो वीडियो में। और शिमला मिर्च कटनी चालू हो चुकी है, टमाटर कटेंगे, उसके बाद प्याज भी कटेगी, और स्वीट कॉर्न्स भी हैं, और मैं थोड़ा पनीर भी ले आया हूँ ऊपर के लिए, अमूल की, हाँ टॉपिंग के लिए, और अमूल की चीज भी है। वैसे गाइस बताइएगा मेरी टी शर्ट और आज मैं कैसे लग रहा हूँ, एकदम बेहतरीन सा। अरे 700 सब्सक्राइबर करवा दिए है, नहीं अब 700 हो गए हैं, 300 की जिम्मेदारी मैंने अपने अपनी डेली ब्लॉगिंग से ले लिया, और मुझे पता है कि मेरे 300 सब्सक्राइबर बहुत जल्द होने वाले हैं। और वो सही है, पर वॉच टाइम भी चाहिए थोड़ा सा, उसे देखो वॉच टाइम तो खैर हमें दे ही रहे हैं हमारी जनता, क्या हमारे घर वाले, हमारे 700 हमारी यूट्यूब फैमिली जो है 700 लोगों की, वो दे दिए। और कैसा रोहन, बहुत बैली 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 एकदम अति सुंदर लगी, मुझे भी चाहिए पहन के दिखाऊं, कॉलेज के लिए चाहिए, मैं सोचूं मैं ले जाता हूं। नहीं पहन के दिखाऊं? हाँ बिल्कुल, सॉक्स उतारने पड़ेंगे, सॉक्स उतारने पड़ रहे हैं अभी अभी, गाइस पहनता हूँ दिखाता हूँ आपको, ये रुकिए एक मिनट सॉक्स उतार लेता हूँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे नहीं आ रही, मैं ही दिखाऊं रोहन भाई। अरे हाँ अब आई है, कोई नहीं, जब जब कभी बैक कैमरे से अभी रोन बनाएगा जब दिखाता, रोन बैक कैमरे से दिखाओ इन्हें। और ये सर की वैली, और पूरा मुझे दिखाइए, अब बताइए, एक मिनट बताइए, ये कैसा लग रहा हूँ मैं, एकदम जैन मेन हथियार रह चुका है, हथियार अरे आइए, अब बताइए, एकदम बेहतरीन बेहतरीन है, और जुल्फे एकदम बेहतरीन जुल्फे, या इनके पीछे तो मैंने 2500 रुपए खर्च कर दिए हैं, बताता हूँ
सुनिए गाइज। हाँ तो गाइज मैं आपको बता रहा बालों का राज। बालों पे मैंने 2,500 रुपये लगाए हैं, तब जाके ये इतने सिल्की सिल्की और स्मूथ बने हैं, और शेविंग पे भी 50-60 रुपये खर्च कर दिए हैं। आपको अच्छा ही लग रहा होगा। और सिट्टो सो रही है, बाकी अंदर देख के आते हैं और कौन क्या कर रहा है। ओहो इस रूम में कोई नहीं है, चलते हैं इस रूम से बाहर। और ये देखिए वो देखिए वो भागते हुए, क्या हो रहा है ये बिट्टो, कम हियर बिट्टो, इधर आओ प्रियांक, तुम भी आओ। प्रियांक और बिट्टो आ चुके हैं। अच्छा ये बताओ बिट्टो, सच सच हाँ। तुम्हारे चैनल का क्या नाम है, जो तुम्हारा अपना चैनल है? मेरा अपना चैलेंज चैनल हाँ कैच लाइफ। अरे नहीं नहीं करिकास गुड लाइफ, गुड लाइफ पे आप करिका से मिल सकते हैं। एंड प्रियांक आपके चैनल का नाम क्या है? कैच लाइफ विद अच, कह दे। हाँ वही है। और आज अभी 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 क्या क्या इसके स्पाइडरमैन वाले कपड़े आने वाले हैं। और प्रियांक अपने हाथ में क्या क्या हो गया बता, दिखा दो। ताता ये देखो कैसे हुई है प्रियांक ताता, ये कैसे गिरा? ऐसे गिर गया था। और किससे गिरी, और किससे लगी? ऐसे ही हाँ। तो और प्रियांक, और दिवाली पे कितने बम फोड़े थे हमने? बहुत सारे बम फोड़े थे। तो करिका आप करिकास गुड लाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगी? मेरे को वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। और वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब कि मैं उसमें और वो हाँ, मेरा ब्लॉग है एंड मैं बट मैं इस इधर काम करना चाहती हूँ। ये हमारी कैच लाइफ विद अस में पार्टनर बनना चाहती है। ओके तो गाइस आप लोग बताइए करिकास गुड लाइफ के प्रोप्राइटर जो मालकिन है उन्हें अपने चैनल में कैच लाइव विद अस में हिस्सा बना लिया जाए या नहीं। मैं तो रेडी हूँ, आप लोग बता दीजिएगा। आप भी बोल दीजिए कि गाइस प्लीज मेरे लिए कमेंट कीजिएगा, प्लीज करिएगा। हाँ प्रियांक तुम भी, हाँ प्रियांक भी पार्टनर बनना चाहता सब। मम्मी तुम भी हमारे चैनल में पार्टनर बनना चाह रही हो? क्यों क्यों अच्छा मम्मी मालकिन बनना चाह रही है प्रियंका, पार्टनर या मालकिन? हम तो एम्प्लॉई हैं, असली मालिक हमारा ही है बेटा, असली मालिक है ये। नहीं 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 आज रोहन भी आज कटिंग करवा के आया। रोहन दिखाओ अपनी भौं, भौं दिखाओ 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 भौं दिखाओ, भौं पे 2-3 उस्तरे लगे हुए हैं, दिखाओ ना। ये देखो तेरी ओ, अरे गुरु। तो चलिए अब मैं जल्दी से पिज्जा बनाता हूँ, और पिज्जा बना के उसके बाद आपके लोगों से फिर मिलता हूँ। तो गाइस आप लोग देखिए मैं पिज्जा बना रहा हूँ, ये मेरा पिज्जा बेस, एक पिज्जा हमें अंदर घूमता हुआ भी दिखाई दे रहा है माइक्रोवेव में, और बाकी मैं बच्चों को भी दे चुका हूँ कौन पिज्जा उनकी स्पेशल फरमाइश से। तो डॉक्टर साहब जाए और आप जाके बच्चों से रिव्यू लेके आओ कि मेरा पिज्जा को कैसा लगा। ठीक है मैं पहुँचती हूँ वहां तक। तो गाइस ये देखिए बच्चे अपना पिज्जा लेकर बैठ गए हैं तीनों बच्चे। और तो बिट्टो जरा टेस्ट करके बताओ पिज्जा कैसा है बच्चों के लिए। यम्मी बिना खाए खा रहे हो आप, क्या खाया आपने? टेस्ट करे बिना ही दिख रहा है कि यम्मी होगा। अच्छा प्रियांक अपने कॉर्न उठा उठा के खा रहा है और उसने रिव्यू पहले ही दे दिया यम्मी। और बिट्टो अब टेस्ट करने जा रही है, देख कर कह रही है यम्मी होगा। गरम है तो 2 मिनट का हम वेट कर लेंगे। गरम है हैं सिटी, कैसा है? टेस्टी है। ठीक है तो मामा को पिज्जा में कितने नंबर? 100 out of 100। ओ माय गॉड। और प्रियांक पापा को पिज्जा के लिए 100 में से कितने नंबर? बहुत चाले लंबर। ठीक है सिटी ने अभी टेस्ट नहीं किया है, वो सो के जगी है। तो अभी चलते हैं, बच्चों का रिव्यू हो गया, वहीं पे मिलते हैं। तो डॉक्टर साहब कैसा रहा बच्चों का रिव्यू? बच्चों का रिव्यू बिट्टो सेड 100 out of 100, प्रियांक सेड बहुत सारे नंबर,
और सिटी क्योंकि सोके जगी है तो उनका कोई रिव्यू नहीं था और गरम था तो उन्होंने खाया भी नहीं। तो अब हम इस वीडियो का आज यहीं एंड कर लें। हाँ बिल्कुल आप यहीं एंड कर सकते हैं। छोड़ो हम वीडियो को यहीं एंड। मैं आपको दिखा देती हूँ जो दूसरा है वो ये वाला है बनने जा रहा है जो, और इसके ऊपर अभी हमारी ये लगनी है। मैं लगा अरे हाँ टॉपिंग स्टॉपिंग थी थी चीज तो आई ही नहीं। चीज हमारी ऐसे आती है। अभी इस पे भर भर के चीज पड़ेगी। हम चीज तो हम एक्स्ट्रा खाते हैं चीज। तो चलिए पिज्जा देख लिया आपने, अब आपके मुंह में पानी आ गया है। तो सीए साहब ब्लॉग को क्या कहकर एंड करना चाहेंगे? पहला ब्लॉग है हमारा, जो भी आज का पहला ब्लॉग है मेरा, जो भी गलती हुई है उसे माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। जैसे मैं बीच में भूल गया था शॉपिंग करने का, तो कल से मैं रेगुलर कोशिश करूंगा, और नहीं भूला तो अब आपके साथ हम रेगुलर डेली ब्लॉग भी लाएंगे जितना हो सकता है, और बाकी वीडियो डालते हैं वो डालेंगे। तो चलिए गुड नाइट और जल्द मिलते हैं।